हमारी YouTube फैमिली का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनके जो पशु हैं, जो पशु रखते हैं, वो चाहे वो गाय हो भैंस हो, वो अक्सर बीमारी, एक खास बीमारी ये भी है कि थनैले रोग से वो परेशान हो जाते हैं। तो थनैले रोग हो तो जाता है पर हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि या कोई चोट है कि थनैला है, उस वजह से बहुत ही देर हो जाती है और देर होने की वजह से फिर वो रोग गंभीर हो जाता है और हमारा पशु बीमार होता चला जाता है। कई बार तो कई केसों में ये देखा गया है कि बीमारी की सही पहचान ना होने की वजह से पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो इस बीमारी के उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार से पहले हमें इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि यह थनैला रोग है या नहीं है, या थनैला रोग है तो किस स्टेज पर है और ये कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रिप आती है, आयुर्वेद की स्ट्रिप आती है और भी दो तीन कंपनियों की स्ट्रिप आने लगी है। आयुर्वेद की स्ट्रिप आती है मैस्ट्रिप, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैस्ट्रिप आती है आयुर्वेद कंपनी की मैस्ट्रिप आती है। इसमें आपको छोटी सी पत्तियाँ मिल जाएंगी, कहने का मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप मिल जाएगा, इसमें कई स्ट्रिप दिया रहता है। इस स्ट्रिप को आपको एक स्ट्रिप ले लेनी है और पहले ध्यान दें, अगर आपको अपने पशु का थनैला चेक करना है कि हाँ उसके थन में सूजन है या तो कोई भी प्रॉब्लम है, गांठ बन रही है, तो आपको शंका है कि हाँ उसको थनैला हो रहा है, तो उसके लिए पहले आप थन को अच्छे से धुल लें, सूखे कपड़े से पोंछ लें और गीले हाथों से इस स्ट्रिप को यूज नहीं करना है, गीले हाथों से बिल्कुल यूज नहीं करना। इसके बाद इसमें से एक स्ट्रिप हमें ले लेनी है और दो तीन धार हमें दूध की पहले जमीन में ही गिरा देनी है, बाहर गिरा देनी है, इसमें नहीं डालनी। फिर उसके बाद हमें दूध की धार इस स्ट्रिप पे डालना है और इस स्ट्रिप पे डालने के बाद इस स्ट्रिप में ही आगे कलर दिया रहता है, इस कलर के हिसाब से देख सकते हैं आप सब, इस कलर के हिसाब से हम लोगों को समझना है, परखना है कि हमारा पशु को मैस्टिटिस है, थनैला रोग है, तो वह किस कदर है या किस स्थिति में है, ठीक होने लायक है भी या नहीं है। तो इस स्ट्रिप की मदद से आप अपने पशुओं का उपचार करें, अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। अगर आप थनैले से संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहते हैं या तो थनैले का उचित उपचार चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, हम उस टाइप की वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहें।